अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि कब रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन की इस रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे एक एक चैप्टर को हम लोग 15-15 मिनट में कवर अप करेंगे। अगर आपको डिटेल लेक्चर्स देखना है तो आप शर्मा गई सीरीज को देख सकते हो, जो आपको लिंक आ गई होगी आपकी आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्टिव वीडियो के लिए शर्मा गई सीरीज और रिवीजन के लिए आपको देखना है आजा सीरीज। और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और साथ ही साथ भैया को सपोर्ट करने के लिए 50,000 सब्सक्राइबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो बनाते हैं इस नई सीरीज को सक्सेसफुल और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोग के लिए बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं 3 दिन की प्लेज, जिसमें कि हम लोग कवरअप करने वाले 8th मार्च, 9th और 10th मार्च को 7:30 PM को रेगुलर MCQ वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप लोग को इस सीरीज को देखना है, उसके बाद सेम डे को ही आप लोग का सेशन होने वाला है। तो आज ही के दिन ये सेशन होने वाला है, तो जरूर ज्वाइन करना। 7:30 PM को आप लोग का सेशन रहेगा। इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम जकी डाल देना। ये फ्री सेशन है, जहां पे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड चैप्टर के हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs निपटाने वाले हैं, और ये सभी क्लासेस फ्री रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट को। तो ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला और रिवीजन के लिए वीडियो रहने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फॉलो अप जरूर कर ले मुझे इंस्टा में, टेलीग्राम पे और साथ ही साथ अनअकैडमी में, जहां पर मैं ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूं। जो भी क्लास की अच्छी क्लिप लगती है आप लोग मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हो, मैं आपको स्टोरी में जरूर शाउट आउट दूंगा। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आखिर पढ़ने क्या वाले। तो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक को कवर अप करने वाले और 2022-2023 के अकॉर्डिंग ही सभी चीजें देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया हूँ कि फिजिकल एजुकेशन के अलावा आप लोग का बायो, मैथ्स और कॉमर्स के काफी सारे सब्जेक्ट के अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो उन सभी लोग के लिए मैंने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हूँ, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। आप इसको अटेंड जरूर करिएगा, इसके थ्रू आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन किस लेवल की हुई वो भी पता चल जाएगा, और अगर आप लोगों ने बेस्ट परफॉर्म करे तो आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिलने की चांसेस है। मैथ्स और बायो दोनों के लिए टेस्ट होने वाला है, साथ में कॉमर्स के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इन सब के आप लोग के टेस्ट होने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ही यार डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा और आपको सारे पॉइंट समझाने पड़ेंगे, या तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें आप लोग को सारे पॉइंट के साथ साथ 2 या 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या क्या फंक्शन होते हैं स्पोर्टिंग इवेंट के। तो देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप किसी एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाले हो, तो कैसे आप एक स्पोर्टिंग इवेंट को सक्सेसफुल बना सकते हो, तो उन सब के बारे में हम लोग यहां पे बात करने वाले। तो स्पोर्टिंग इवेंट के कुछ फंक्शंस के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूर्नामेंट या स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे मिलने भी नहीं जा सकते बिना प्लानिंग के। तो यार प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग में आप लोग किसी भी स्पेसिफिक गोल के बारे में पहले से सोच के रखते हो कि कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हो, कैसे आप लोग उसमें बेटर परफॉर्म करके आप अपने गोल को और ज्यादा बेहतर तरीके से सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना प्लानिंग के कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, और साथ ही साथ बिना प्लानिंग के पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है प्लानिंग। अगला होता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल मेंबर्स को मोटिवेट के लिए, उनको गोल के तरफ ओरिएंट करने के। आप एक डायरेक्टर हो यार, आप अपनी टीम के अंदर सभी लोगों को यार गोल के तरफ ले जाने की कोशिश करोगे, जिससे कि सक्सेसफुली गोल अचीव हो सके। तो मैं कह सकता हूं कि यार डायरेक्टिंग एक किस्म से फोकस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, जिसके थ्रू वो अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सके। इसके अलावा अगला होता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो, मैंने ढेर सारे लोगों को बुला लिया कि भैया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है, और अब क्या करना है आप लोग को यहाँ पे, जितने भी लोग हैं उनको उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आई एम आउट, आपको उनका
काम दे देना, जिसके थ्रू यार वो उनके फील्ड में बेटर तरीके से वर्क करेंगे और साथ ही साथ टूर्नामेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मान लो कि ढेर सारे लोग को बुलाया, किसी को आपने ग्राउंड की कमेटी में डाल दिए, किसी को इक्विपमेंट की कमेटी में डाल दिए, किसी को टेक्निकल डिपार्टमेंट में डाल दिए, किसी को एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में डाल दिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोगों को यार डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज के अंदर डाल दोगे और स्टाफिंग इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग यार एलोकेट कर रहे हो रिसोर्सेज को, समझो जो भी आप लोग को रिसोर्सेस लग रहे हैं इंडिविजुअल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो सभी चीजें आप प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, चाहे वो इक्विपमेंट हो सकता है या मनी हो सकता है, जिसके थ्रू जो आपका स्पेसिफिक प्लान है वो सक्सेसफुली अचीव हो सके, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के यार कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर पाओगे। अगला होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें कि यार आपके पास स्पेसिफिक टीम है, आपने पहले से प्लान सोच के रखे होगी 3 महीने के अंदर इतना काम हो जाना चाहिए, लेकिन पता चल रहा है आपकी टीम उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, मतलब क्या कंट्रोलिंग सही तरीके से नहीं है। तो कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें कि यार आप एक किस्म से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हो अपने स्टाफ के मेंबर्स को कि भाई इतने टाइम के अंदर ये सभी चीजें हो जानी चाहिए, कि वो जो स्पेसिफिक गोल है क्या सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पा रहा है कि नहीं, क्या वो टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा नहीं। तो बिना कंट्रोलिंग के यार सब चीजें भाजीपाला हो जाएगी। तो ये थे आपके सभी के सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वेरियस कमेटी और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कितने टाइप की कमेटीज होती है। कमेटीज बहुत सारी होती है, जितना तुम याद कर सकते हो उतना कम है, लेकिन यार मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के नाम लिख दिए, एटलीस्ट इतने तो याद होनी चाहिए। सबसे पहली जो कमेटी, इसका नाम है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी, नाम सुनते से समझ में आ रहा, पब्लिसिटी करने का काम, एडवर्टाइज रिलेटेड काम, लोगों तक के प्रोपोगेंडा और स्पोर्ट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, पब्लिसिटी कमेटी करती है। जैसे आप किसी के साथ घूम लो तो कोई आंटी जो रहती है ना मोहल्ले की, वो पब्लिसिटी कर देगी पूरे मोहल्ले में। अगला होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। एक ऐसे टाइप की कमेटी है जिसमें कि स्पोर्ट्स मेंबर को वो होटल से लेकर ग्राउंड तक के पहुंचाने का काम करते हैं। सो सजावट वगैरह का काम जितना भी होता है डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी के अंदर आता है, और साथ ही साथ जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है वो सभी की सभी यही कमेटी देखती है। तो नेक्स्ट होता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम ये है कि ग्राउंड का ख्याल रखना और जो भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हो रहे हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए वो सभी को पहले से बंदोबस्त करके रखना है। ऐसा ना हो कि पता चल रहा बैट टूट गया फिर वो दोस्त के यहाँ जा रहे बैट लेने, ऐसा तो नहीं होता ना मेन मैच में। अगली कमेटी होती है जिसका नाम है कमेटी फॉर ऑफिशियल। मतलब क्या, जितने भी टाइप के जो ऑफिशियल है, चाहे वो रेफरी हो, जजेस हो, इन सब की सैलरी प्रोवाइड करना, इनका स्पेसिफिक ख्याल रखने का काम कमेटी फॉर ऑफिशियल्स करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अनाउंसमेंट कमेटी एक कमेटी होती है जिसमें कि यार उनका काम होता है अनाउंसमेंट करना, जो भी गेम के दौरान चीजें हो रही है उन सबके बारे में लोगों तक के बातें बताते रहना। इसके अलावा होता है फर्स्ट एड कमेटी। सोचो किसी को बॉल लग गई कहीं और ये शानदार शॉट, ओह माय गॉड, तीनों बॉल आपस में टकरा सके, तो यार उस टाइम पे आप इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सको वो काम कौन करेगा, वो करेगी फर्स्ट एड कमेटी। तो इसके अलावा अगली कमेटी होती है जिसका नाम है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम ये है कि इसका बजट प्रिपेयर करने का काम होता है, कितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्पॉन्सर आ रहे हैं उन सबको बुलाने का काम होता है। फाइनेंस कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमेटी ही हमें बताती है कि टूर्नामेंट में कितना खर्चा करना है और किस नेक्स्ट लेवल तक के हम लोग यार टूर्नामेंट को और ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि जितना आपके पास जेब में पैसा रहेगा उतना ज्यादा आप यार किसी लिए खर्चा कर सकते हो ना, समझ रहा समझ रहे हो ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमेटी। अगली कमेटी होती है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो जितने भी चीयर लीडर्स वगैरह रहते हैं, जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड काम होते रहते हैं, उन सबका काम कौन सा होता है, वो सब कौन देखती है, कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और साथ ही साथ जो ग्राउंड के अंदर रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सभी चीजें, तो ये सभी का ख्याल कौन रखती है, यही कमेटी रखती है। होप सो तुम लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। तो ऐसी कमेटीज और भी बहुत सारी हो सकती है, टेक्निकल कमेटी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम देख रही है, तो ऐसी ढेर सारी आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो समझ सकते हो, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज है, अगर एग्जाम में पूछे तो इनके बारे में एटलीस्ट एक्सप्लेन करके आ जाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टूर्नामेंट चल रहा उस टाइम पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती है, और खत्म होने के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, सबसे पहले तो भैया बजट प्रिपेयर करेंगे ना, पहले बजट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ कौन कौन से स्पॉन्सर होने वाले वो सब चीजें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमेटीज आपको बनाना पड़ेगा सो दैट आप लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सको स्पोर्ट्स को, साथ ही साथ कौन सा प्राइज देने वाले हो, क्या सर्टिफिकेट देने वाले हो विनर को, ये सब पहले से डिसाइड करके रखना, और साथ ही साथ कौन से डेट को मैच किसके साथ होने वाला है, टूर्नामेंट कैसे होने वाला है, फिक्स्चर्स को डिसाइड करने का काम प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टूर्नामेंट जब चल रहा है उस टाइम पे हमको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है। सबसे पहली चीज, जो भी
भी यार टूर्नामेंट वहां पे चल रहा है उसके अंदर गुड डिसिप्लिन और साथ ही साथ गुड कंट्रोल रह सके, साथ में जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स आप लोग को रखना है, और इसके अलावा आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया को हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो विनर है भैया उनको सर्टिफिकेट और उनका प्राइज दे दो वरना जंग हो जाएगी। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। इसके अलावा आपको सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करके रखना है कि मैचेस कैसे रहे, किन्ने कितना अच्छा स्कोर करा, जो भी चीफ गेस्ट आए उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलो, उनका ऑनर ऑनर कर दो। साथ में आपको एक डिटेल रिजल्ट प्रोवाइड करना जरूरी रहता है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ ये आप लोग को यार यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सभी के सभी पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आएंगे। तो होप सो आप लोग को यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टूर्नामेंट। देखो यार टूर्नामेंट डायरेक्टली आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिखा हुआ, जैसे आप चेक करोगे वेरियस कमिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद डायरेक्टली फिक्स्चर लिखा, लेकिन अगर फिक्स्चर्स को समझना है जिसमें नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट होता है तो इस वजह से आप लोग को टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टूर्नामेंट होता क्या है। टूर्नामेंट मतलब कि एक किस्म का स्पोर्ट्स कंपटीशन जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टीम्स आकर एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टीम एक दूसरे के साथ आई है वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करेगी, जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और एक विनर निकल के आता है टूर्नामेंट के अंदर। तो इसे कहते हैं टूर्नामेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स बताओगे कि आपका फेवरेट टूर्नामेंट कौन सा है। तो आखिर टूर्नामेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज, जितना ज्यादा आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे अपने स्किल को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो। साथ ही साथ यार स्पोर्ट्स का प्रोपोगेंडा भी होता है, लोगों तक के पहुंच होती है, अच्छा ये वाला स्पोर्ट्स भी चल रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखते होंगे आईपीएल में जो बहुत अच्छा खेलता है उसको इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रिटी भी बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है दो देशों के बीच में अगर कोई लड़ाइयां हैं तो। इसके अलावा कुछ सोशल क्वालिटीज भी डेवलप होती है, जैसे फेयर प्ले खेलना करना, ये सब चीजें वक्त के हिसाब से आती है। जैसे बड़े प्लेयर हो गए एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनके अंदर ना यार फेयर प्ले वाली क्वालिटी है जो एकदम नए यंगस्टर्स के अंदर भले ही ना हो तो वक्त के साथ आती। जितना ज्यादा आप टूर्नामेंट खेलोगे उतना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटीज बढ़ेगी। तो ये थे आप लोग इंपॉर्टेंस टूर्नामेंट के, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। चलिए जानते हैं कि आखिर कितने टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो यार देखो चार टाइप के होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें दो ही पढ़ना है। सबसे पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप का टूर्नामेंट है जिसमें कि अगर दो टीम एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है, ए टीम ने बी टीम को हरा दी तो वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगी और जो विनर टीम है वो टूर्नामेंट में आगे खेलेगी। तो मैं कह सकता हूं नॉकआउट टूर्नामेंट करो या मरो वाला टूर्नामेंट होता है। इसे डू और डाई टूर्नामेंट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। याद रखिएगा अगर ए टीम और बी टीम खेल रही है, बी टीम हार जाएगी तो टूर्नामेंट से डायरेक्टली बाहर हो जाएगी और ए टीम प्रोसीड करेगी आगे की तरफ। तो ऐसे टाइप के टूर्नामेंट को कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट होता है लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें कि अगर ए टीम और बी टीम एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है, लेट्स से बी टीम हार गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी, उसके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस हैं जिसके थ्रू वो टूर्नामेंट में बने रह सकती है और अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर करके आगे बढ़ सकती है। अगर एक चांस मिल रहा है तो उसे कहेंगे सिंगल लीग टूर्नामेंट, अगर दो चांसेस मिल रहे हैं हारने के बाद भी तो उसे कहेंगे डबल लीग टूर्नामेंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, लीग टूर्नामेंट को बर्जर सिस्टम भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी जाती है। आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार भैया लीग टूर्नामेंट में विनर कैसे डिसाइड होते हैं। नॉकआउट में तो समझ में आ गया, जो जीत रहा है वो विनर कहलाएगा, जो हार रहा है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन लीग में कैसा हो रहा है? लीग में ऐसा है कि जो जीतेगा उसको एक पॉइंट मिलेगा या पॉइंट्स मिलेंगे और जो हारेगा उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो यार टूर्नामेंट जब एंड होने में आ जाएगा तो जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट रहेंगे वो टूर्नामेंट में आगे कहलाएगा, विनर कहलाएगा, और जिसके पॉइंट्स कम होंगे यार वो लूजर हो जाएगा। तो इस तरीके से लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा फिक्स्चर्स है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। इसके अलावा जो फिक्स्चर्स वाला वीडियो मैं चाहता हूं कि 15 मिनट के अंदर मैं कवर अप कर भी नहीं पाऊंगा और ना ही आप समझ पाओगे, तो आपको इत्मीनान से ये वाला वीडियो देख लेना जिसके थ्रू आप लोग को फिक्स्चर्स समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज देख लेना। बाकी सारे जो चैप्टर्स रहेंगे, मतलब क्या सेकंड से लेकर 10th चैप्टर तक के, सब 15 मिनट के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले। बस ये एक टॉपिक के लिए मैं आप लोग से कह रहा हूं कि आप एक डेडिकेटेड वीडियो देख लो प्लीज। तो यहां पे एंड होता है हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आप लोग इंस्टा में मुझे फॉलो अप कर लेना, अनअकैडमी मुझे फॉलो अप कर लेना, टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम में ढेर सारी तगड़ी फ्री क्लासेस लेकर आने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। ठीक है समझ गया।